हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर के एक अपडेट मिली है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना। ये है न्यूज़, जैसे कि पहले से पता था। इस पूरी न्यूज़ में बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। यहाँ पर फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर, ईयरली, सारे स्टूडेंट्स के बारे में जो सूचना है और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ये बात हो रही थी कि केवल फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी और जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा। तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं कब होंगी, इस पर बहुत असमंजस था। मैंने पहले से बता दिया था कि जून में यूपी में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। परीक्षाएं जो हैं वो जुलाई और अगस्त में आयोजित की जाएगी, क्योंकि सेमेस्टर जो है बहुत लेट है, जो आपका सेशन है वो बहुत लेट है। तो आइए जानते हैं, अब मैं जो पैराग्राफ पढ़ने वाली हूँ, ये पैराग्राफ जो है वो फाइनल ईयर के लिए है। हर पैराग्राफ में मैं बताऊंगी कि सेमेस्टर परीक्षा के लिए, कि वार्षिक परीक्षा के लिए, किस ईयर के लिए। तो ये पैराग्राफ जो है मैं पढ़ रही हूँ, ये फाइनल ईयर के लिए, और इसमें बोला जा रहा है, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लिए जाने की योजना है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जो MCQ बेस्ड आधारित होगा। इस पैराग्राफ से ये न्यूज आ रही है कि फाइनल ईयर के, चाहे वो सेमेस्टर स्टूडेंट हो चाहे ईयरली स्टूडेंट हो, 13 अगस्त तक उनकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। मतलब आप ये जान लीजिए, मिड जुलाई से आपकी परीक्षाएं या लास्ट जुलाई से परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। 15-20 दिन में परीक्षाएं खत्म की जाएंगी। प्रश्न पत्र जो है वो जो है MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न पत्र सारे विषयों के एक ही तैयार किए जाएंगे। मतलब ये हो सकता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तरह, ऐसी न्यूज पहले से थी, या अगर किसी प्रश्न पत्र के, किसी विषय के दो प्रश्न होते हैं तो उसका एक ही पेपर तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स 1 और 2 का केवल एक पेपर बनेगा, हिस्ट्री 1 और 2 का केवल एक पेपर बनेगा। आगे लिखा है, सूत्रों के अनुसार 3 कुलपतियों की कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ हमको पता है कि 3 कुलपति की बैठक हुई थी और उन्होंने एक जो शासन को 20-21 तारीख को ही दे दिया था लेटर। शासन की मंशा है कि सभी परीक्षा के परिणाम 31 अगस्त 2021 तक घोषित कर दिए जाए। प्रस्ताव में प्रायोगिक परीक्षा के बारे में यह व्यवस्था बनाएगी, इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के बारे में यह व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन करा जाएगा। तो यहाँ विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा पद्धति एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति में छात्रों को प्रनोत करने के नियम भी तय किए गए। दोनों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश है। अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के से पूर्व की कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। तो ये न्यूज़ हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए पहले फाइनल ईयर की बात सुनिए। फाइनल ईयर की परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा ली जाएंगी, सेमेस्टर और ईयरली दोनों 31 अगस्त तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। पेपर MCQ बेस्ड होगा। यह हो सकता है कि सारे विषयों का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा। यह होगा कि दो, जो एक विषय के अगर दो प्रश्न पत्र हैं वो एक ही तैयार किए जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री 1 और हिस्ट्री 2 दो पेपर होते हैं, तो वो एक ही पेपर होगा। तो फाइनल ईयर के लिए ये अभी न्यूज है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस में कटौती होगी नहीं होगी ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगी, कि अगर एक प्रश्न पत्र बन रहा है तो सिलेबस में कटौती की जाएगी या नहीं जाएगी, उसका सर्कुलर आएगा। दूसरी न्यूज अब मैं पढ़ने जा रही हूं, जो पैराग्राफ वो सेमेस्टर प्रणाली के लिए। AKTU के स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने, उसके बाद कमेंट करिएगा। कल के न्यूज़पेपर में और विस्तार से आएगा, लेकिन इस वीक शासन का आदेश आएगा। मीटिंग हो चुकी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास सारे जो डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं। शासन उसको ओपन डिस्प्ले नहीं कर रही है, लेकिन आपको एक दो दिन में पक्की कोई ना कोई न्यूज़ मिलने वाली है। आपके प्रमोशन ही होगा, अगर इतना लेट किया जा रहा है तो प्रमोशन ही होगा। जब अगस्त, जुलाई अगस्त में आप खुद सोचे, जब फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जुलाई में इंटर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंडर की परीक्षाएं क्या सितंबर में आयोजित करी जाएंगी? और अगर सितंबर में आयोजित करी जाती हैं तो नवंबर में परिणाम आएगा, तो कितना लेट हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर सेकेंडर को प्रमोट किया जा रहा। अब एक सेमेस्टर में किस तरह से प्रमोशन का फॉर्मूला होगा, ये सुनिए। AKTU के स्टूडेंट ध्यान दिए,
प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर यूजी पीजी पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंक के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ था, इसमें सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जो है फर्स्ट ऑड सेम का एग्जाम दिया, उसका जो रिजल्ट आएगा तो जो सेकेंड सेम इवन सेमेस्टर का जो रिजल्ट तैयार किया जाए वो किस पे बेस पर, आपके ऑड सेम के रिजल्ट के आधार पर आपके सेकेंड सेमेस्टर का मतलब इवन सेमेस्टर के रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। अगर इवन सेमेस्टर में आपने कुछ इंटरनल असेसमेंट लिया है तो उसका कुछ परसेंटेज लिया जाएगा, और ऑड सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं उसको लेकर के आपके इवन सेमेस्टर के रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। अगर कहीं पर ऑड सेम की परीक्षाएं जो हैं मतलब हो गई हैं लेकिन इवन सेम में कुछ भी नहीं हो पाया, मान लीजिए ऑनलाइन कोई भी वर्क नहीं हो पाया, तो ऑड के अंकों के आधार पर ही टोटल आपके इवन के अंक दे दिए जाएंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ वार्षिक स्टूडेंट के बारे में, जहां पर ईयरली सिस्टम है, यहां कुछ चेंजेस किए गए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला गया, प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर यूजी पीजी के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, मतलब 2021 में जहाँ पर परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, मैं बता दे रही हूँ, वहाँ पर उन स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ देंगे तो उनके अंकों के मतलब 2022 में जब वो सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे तो उस आधार पर प्रथम वर्ष में मार्क्स चढ़ेंगे, ये हमको पहले से पता था, इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया है। आगे क्या लिखा हुआ, ऐसे स्टूडेंट जो प्रथम वर्ष का परिणाम, ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, ऐसे देखिए जहां पर नहीं थी वहां तो प्रमोट कर दिया गया, जहां पर 2020 में संपन्न करा ली गई थी, कुछ जगह पर 2020 में संपन्न करा ली गई थी, तो वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम और अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, कह रहा है जहां पर 2020 में आपके फर्स्ट ईयर में परीक्षा आयोजित की गई थी वहां पर द्वितीय वर्ष के परिणाम में अंक निर्धारित होंगे, फर्स्ट ईयर के हिसाब से उनको सेकेंड ईयर में मार्क्स दिए जाएंगे और उनको सेकेंड ईयर में मार्क्स देने के बाद थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसी तरह ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर 2020 में, देखिए जहां पर 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी और उनके द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं कराई जाएंगी, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2019 में आपने एडमिशन लिया, 2020 में आपको एग्जाम देना था फर्स्ट ईयर का, लेकिन आपने एग्जाम, आपको प्रमोशन मिल गया और आप सेकेंड ईयर में आ गए। सेकेंड ईयर में जब आप 2021 में सेकेंड ईयर में आए तो वहां पर क्या हुआ कि आपको फिर प्रमोशन मिल गया और आप 2022 में थर्ड ईयर में चल गए। तो यूनिवर्सिटी के पास आपके के पास ना फर्स्ट ईयर के मार्क्स है ना सेकेंड ईयर के मार्क्स है। अभी तक ये बोला जा रहा था, इस न्यूज़ के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अभी तक ये बोला जा रहा था कि जब स्टूडेंट 2022 में थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन देंगे तो वहीं पर सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन करा लिए जाएंगे और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस न्यूज से जो निकल के आ रही उसमें यह बोला जा रहा है कि उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के आधार पर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जहां पर फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं स्टूडेंट नहीं दिए हैं। तो पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को भी द्वितीय वर्ष में प्रमोट किया जाएगा, मतलब जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। जब वर्ष 2022 में द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी तो द्वितीय वर्ष के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष में अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये पूरी न्यूज़ है, कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि फाइनल ईयर की परीक्षाएँ जो हैं वो आयोजित की जाएंगी 13 अगस्त तक और अंतिम 31 अगस्त तक परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। ज़्यादातर स्थितियां जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रमोशन को लेकर के बन गई है, ये न्यूज़ आई है, तो कुछ अभी तक तो डेट डिक्लेयर नहीं थी, अब डेट भी डिक्लेयर थी कल के न्यूज़पेपर में, और अपडेट मिलेगी प्रमोशन की तरह आप लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात कह रही हूँ कि जब तक आपका एक सर्कुलर ना मिल जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप थोड़ा बहुत एक दो घंटे लगा के मन लगा के पढ़ते रहिए, लेकिन प्रमोशन लगभग तय हो चुका है। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए।